ओ तेरी, बाल बाल बच गए। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं अपने गांव से, बनिहाल से। पूरा एरिया बर्फ में ढका हुआ है इस टाइम। ये देखिए अब सीनरी कितनी अच्छी है इस टाइम, ये देखिए। और इस टाइम टेम्परेचर माइनस में है इधर। हम तब भी राइड कर रहे हैं, ऊपर से जा रहे हैं। अभी बहुत ही रिस्की है यहाँ पे चलना। पहली बार मेरी बाइक बर्फ के ऊपर से चढ़ रही है। कल रात मैं जम्मू से आया था निकल के, तो मैंने वहां से ब्लॉग शूट नहीं करा। अब यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। ऐसे ही मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और मैं इस टाइम श्रीनगर के लिए जा रहा हूँ। ये देखिए आप इधर पे पेड़, और तेरी बाल बाल बच गए। देखिए आप कितना भयानक है यहाँ से यार। आई थिंक पानी भी शूज में जा रहा है। बहुत ही कंजस, बहुत ही गंदा एरिया है। अभी तब भी हम चल रहे हैं क्योंकि मुझे श्रीनगर जाना है और यहाँ से मैं थोड़ा जल्दी पहुँच लूँगा। यहाँ से मेरे कम से कम 10 किलोमीटर बचेंगे। अगर मैं इधर से थोड़ा एक किलोमीटर कवर कर गया तो मेरे 10 किलोमीटर बचेंगे, जब यहाँ से बनिहाल पहुँचना पड़ेगा मुझे मेन मार्केट में। फिर मेन मार्केट से आना पड़ेगा, उतना सारा मेरा वो सारा बच जाएगा। ये देखिए हम बहुत ही मुश्किल से यहाँ से चल रहे हैं। बहुत ही बर्फ है, 1 फीट के करीब करीब बर्फ है। हम तब भी चल रहे हैं क्योंकि हमको आधा घंटा बच जाएगा यहाँ से। बट यहाँ पे सीन क्या है कि मेरी बाइक भी फंस गई थी, बट अंकल की गाड़ी भी फंसी है। मैं इसलिए निकल रहा हूँ खुद ही क्योंकि मुझे लेट हो गया। मुझे जाना है कश्मीर। मुझे ऐसे तो निकलेगी नहीं बुर से, जो मेरा आधा घंटा बुर से यहाँ से बचेगा। मुझे लग रहा है उससे ज़्यादा ही लग गया गाड़ी की वजह से। अभी देखते फाइनली गाइस हम यहाँ से भी निकल चुके हैं। अभी मुझे कोविड टेस्ट भी करवाना है, आई थिंक नेगेटिव आना चाहिए अब क्योंकि मेरे पास गले में खराश अभी भी। ये देखिए वानी हल्का 4 लाइन, ये देखिए आइस जमी हुई है। अभी हम अपना मिरर बंद कर दें क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा आ रही है, ठंडी हवा, और मुझे पाँव में ठंड लग रही है यार।
ये देखिए हम यहाँ से अब श्रीनगर के लिए जा रहे हैं। अभी मुझे पता भी नहीं है कि कैमरा क्लियर है या नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। पर मुझे बाइक भगानी पड़ेगी क्योंकि लेट हो गया, ठंड है तब भी भगानी पड़ेगी। 40 किलोमीटर मुझे 30 मिनट में कवर करने पड़ेंगे। देखिए हो गया हमारा टोल प्लाजा बनिहाल। बेस्ट सीन आज असिकत्री, क्योंकि इसके ऊपर लगी है यार, आप देखिए ना इतना अच्छा लग रहा है यार ये। और बारिश भी स्टार्ट हुई है। ये देखिए पहाड़ियाँ, वादियाँ, देखिए वादियाँ, क्या सीनरी है यार, बेस्ट सीनरी है ये बस। ये सबसे लॉन्गेस्ट टनल है, इसमें आपको स्पीड लिमिट नासी टनल से ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे स्पीड लिमिट टोटल 50 है, यहाँ पे 70 है। हम तो अभी 94 जा रहे हैं, बट ठीक है। ये देखिए हम फाइनली कश्मीर आ चुके हैं, और ये देखिए कश्मीर वैली, यहाँ पे बारिश हो रही है, बर्फ़ हो रही है, बारिश नहीं हो रही है बट पतली पतली बर्फ़ हो रही है, इसकी वजह से बहुत ही स्लिपी रोड हो जाएगा, बट हमको चलना है। यहाँ पे ज़्यादा होगी क्योंकि ये थोड़ा हिली एरिया है इस जगह टनल के पास, तो बाकी तो ठीक है, ये बेटर रहेगा हमारे लिए। डिवाइडर बनाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये था नहीं, बड़े टाइम से काम चल रहा था, नहीं बना रहे थे, टेंडर आया हुआ था, तो अभी फाइनली बना चुके हैं। अब आज मैं पहली बार आया हूँ जब सेट आया, ये बनाया हुआ है इन्होंने डिवाइडर। हर कोई देख रहा होगा, देखता है इधर। ये हम अपने डॉक्टर के पास पहुँच चुके हैं। फाइनली गाइज हमने अपनी डॉक्टर से मिल चुके हैं और हम यहाँ से निकल रहे हैं, और बारिश भी बहुत हो रही है, इसलिए मैंने व्लॉग जल्दी बंद किया था। अब हम जा रहे हैं कोकंडा वाली साइड, क्योंकि मैं रात में अब यहीं पर स्टे करूँगा, अब मैं यहीं स्टे करूँगा रात को, और सुबह निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि ठंड भी है इस टाइम, थोड़ा निम्बल है, तो इस टाइम मौका है कि यहीं पर वेट करें रात को। ये देखिए आगे व्यू कितना अच्छा आ रहा है, पूरा जो आगे हमारे ये जो आगे वो पहाड़ है, वो सिंथन है, सिंथन टॉप, जहाँ से किश्तवाड़ जाते हैं। वो सारा पहाड़ वो ही है, यहाँ से भी बर्फ़ पड़ी हुई है, बट में ये देखिए वहाँ पहुँच गए हैं। आपको अभी अपनी बाइक का लुक भी दिखेंगे हम अंदर पहुँच के, बहुत बुरी हालत है बाइक की। ये देखिए हमारी बाइक की हालत क्या है यार, कैसे देखिए यार, पूरा 2 दिन लगेंगे बाइक धोने में यार। फाइनली गाइस चलो मिलते हैं हम अब अगले व्लॉग में, तब तक ले बाय।